हेलो बच्चों, हाँ तो कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की तैयारी? जैसा कि आप सभी जानते हो कि एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं और समय है आपके पास में उतना ही कम। अब आप में से कुछ बच्चे तो इतने अच्छे होंगे जो पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे, अब वो केवल टॉपिक्स को कर रहे होंगे रिवाइज। वहीं पर यदि देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे टर्म वन के लिए कितने चैप्टर्स डिसाइड हुए हैं और किस चैप्टर से कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है। अब वो केवल इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हम स्कोर कर पाएं। तो बच्चों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए यहां पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ शॉर्ट फॉर्मूलेज जिनके बेसिस पर, जिन्हें याद करके आप अपना स्कोर बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हो। तो आपको ये जो चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, ये आज के आज और ठीक अभी से फॉलो करनी है, ताकि आप केवल और केवल 7 से 8 दिन में अपने एग्जाम्स की तैयारी का जो लेवल है उसे इंक्रीज कर पाएं। बड़े ही ध्यान से आपको एक एक चीज़ को सुनना है, समझना है और अपने ऊपर फॉलो करना है आज और अभी से, आज और अभी से। चलिए बात करते हैं आज हम सिलेबस से रिलेटेड। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ तो आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक चैप्टर वाइज और दूसरा यूनिट वाइज। अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट वाइज, तो इस टर्म वन के लिए टोटल है आपकी 4 यूनिट्स, जिनका अपना नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा जो लास्ट यूनिट बचती है वो है EMIAC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और यदि इसी चीज़ को मैं आपसे बात करूं बच्चों चैप्टर वाइज, तो सिलेबस के लिए जो टोटल चैप्टर्स हैं यही 4 यूनिट्स डिवाइड हो जाती हैं टोटल 7 चैप्टर्स में। तो मैं आज आपको यहां पर बताऊंगा कि किस यूनिट में, बोले तो किस चैप्टर में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको इस बार पढ़ने ही नहीं हैं। बच्चों चलिए बात करते हैं आज सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस में हम बताएंगे पहले आपको यूनिट वन जिसके अंदर है 2 चैप्टर, पहला है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, मैं इन्हें यूनिट में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे आज आपसे यहां पर यूनिट वन के लिए। तो यूनिट वन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं, मैं एक एक करके डिक्टेट करूंगा, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। और फिर से यही कहूंगा कि बच्चों आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, चाहे आपने पूरी साल में कुछ नहीं पढ़ा हो, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं, यकीन मानिए अगर आपने वो भी फॉलो कर ली तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन में अपनी तैयारी ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज कर पाओगे। देखिए इधर हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर 1 के लिए। तो यूनिट नंबर 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला आपको प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीसरा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कितनी होती है और इक्विटोरियल लाइन पर कितनी होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर आपके लिए जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है गॉस थ्योरम और इसकी रिलेटेड एप्लीकेशन। अब बच्चों ये जो टॉपिक्स पहले मैंने आपको बताए हैं ना, आपको ये सारे टॉपिक्स पहले रिवाइज करने हैं, लेकिन रिवाइज कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप डेरिवेटिव पार्ट बिल्कुल छोड़ते हुए चलेंगे। अब इसमें से किस टॉपिक का क्या रिजल्ट आया है निकलकर, केवल वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पर याद करने हैं और उन रिजल्ट के बेसिस पर ही आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अब आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे डेरिवेटिव पार्ट को पढ़ने में। केवल आपको टॉपिक्स का ओवरव्यू लेना होगा। ओवरव्यू यदि आप ले पाएंगे तो उस ओवरव्यू की हेल्प से ही आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बता पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जब आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स में ही थोड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। पहले जो भी न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, वो न्यूमेरिकल आपको पहले तसल्लीपूर्वक बड़े ही प्यार से
बिल्कुल रिलैक्स फील करते हुए रीड करना है। रीड करने के बाद में उसमें क्या चीजें गिवन है, वो गिवन डेटा की समरी बनानी है, और समरी बनाने के बाद में फिर आपको केवल ये देखना होगा कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज फाइंड करनी है। फिर गिवन और फाइंड करने वाली चीजों में रिलेशन फाइंड करते हुए फॉर्मूला पुट करेंगे और तुरंत आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पढ़ते समय पहले टॉपिक को आप इजीली बोले तो नोट्स में से उसे पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसे एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद में तब दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करने होंगे, साथ के साथ ही सॉल्व करने। ऐसा नहीं कि पहले हम सारी थ्योरी को पढ़ लें और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स को एक साथ सॉल्व करें। ऐसे ये जो तरीका है बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना। आपको करना है केवल ये कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसी के साथ उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और दो चार न्यूमेरिकल्स साथ के साथ सॉल्व करने हैं, ताकि उसका रिजल्ट भी हमें याद रहे और उसे हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी कर सकें। चलिए अब बात करते हैं हम आपसे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लाइन होती है उस पर पोटेंशियल कितना होता है, इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स के लिए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटी कितनी है, जब प्लेट्स के बीच में एयर है तो कैपेसिटी कितनी है। अब ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनकी बेटा मैंने आपके सामने एक लिस्ट भी रिप्रेजेंट की है। अब ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की है, इस लिस्ट के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपको वन बाई वन उसी तरीके से तैयार करने हैं जैसे मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ा सा पहले ही बताया। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लिए। तो जो यूनिट नंबर हमारी 2 है, उस यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से पहला टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये कहूँगा ये जो टॉपिक है ये 90% इसके चांसेस हैं इस बार इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में आता है रिलैक्सेशन टाइम। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम मैंने बताया है बच्चों, इससे रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और मैं ये कहूँगा आप ये कह लीजिए 100% इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हुई हैं, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में आते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार आता है वो है पोटेंशियोमीटर और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। उनमें क्वेश्चन बच्चों इस तरीके के आते हैं कि हम अपना जो पोटेंशियोमीटर का बैलेंसिंग पॉइंट है उसे लेफ्ट में शिफ्ट करें या राइट में शिफ्ट करें। तो शिफ्ट करने के लिए जो ऊपर वाला मेन सर्किट है, मेन सर्किट का रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है या घटाना है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं अब यूनिट नंबर 3 के लिए। तो यूनिट नंबर 3 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से पहला टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, और इसी टॉपिक का दूसरा नाम शॉर्ट में होता है बच्चों लॉरेंज फोर्स। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोट सेवर्ट्स लॉ। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होती है वो अपने सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आता है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर कितना फोर्स लगता है, वो टॉपिक जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले है, आपको वीडियो पॉज करनी है और पॉज करके सारे टॉपिक्स को एक पेपर पर लिख लेना है, और लिखने के बाद में फिर से इन टॉपिक को सेम उसी तरीके से रिवाइज करना है जैसे कि मैंने आपसे बताया है। जिस चैप्टर से या जिस यूनिट से आपने पहले पढ़ना स्टार्ट किया है उसी चैप्टर की हमारी कुछ वीडियोज हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड, वो वीडियोज साथ के साथ यदि आप कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, जो कि अपने आपे में ही एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आपके लिए आता है लेंज लॉ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंज लॉ। उसके बाद में आता है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। उसके बाद में आता है आपके लिए सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसमें मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। उसके बाद में आते हैं सर्किट्स। क्या आते हैं बच्चों? सर्किट्स। आप सभी जानते हो कि जो सर्किट्स हैं वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के, जिनमें से पहला होता है आर सर्किट, दूसरा होता है कौन सा? एल सर्किट। तीसरा होता है सी सर्किट। चौथा होता है कौन सा? आर एल सर्किट। पांचवा होता है आर सी सर्किट। और छठा होता है कौन सा बेटा? एल सी सर्किट। और सातवां होता है एल सी आर सर्किट। अब ये जो 7 टाइप्स के सर्किट हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार पेपर में 110% आने के चांसेस हैं, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में एक टॉपिक और बचता है, और वो टॉपिक ये है रेजोनेंस कंडीशन जो होती है सर्किट की, वो, और क्वालिटी फैक्टर। इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बच्चों बात ये आती है कि चलो ये टॉपिक्स मैंने बता दिए, कि अब ये टॉपिक्स आपको आते भी हैं या नहीं आते हैं, अब मैटर ये आता है बेटा। तो यदि आपको ये टॉपिक आते हैं तो अच्छा है, और नहीं आते तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को विजिट करेंगे तो वहां पर आपको हमारी क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाना है। और जाकर के जब आप वहां पहुंचेंगे तो हर एक चैप्टर के लिए मैंने इन शॉर्ट वीडियोस डाली हुई हैं क्विक रिवीजन करने के लिए। वो वीडियोस आपको वहां से जाकर के वॉच करनी है, और साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की वीडियो वॉच करनी है। यदि आप इतना कर पाएंगे तो यकीन मानिए 7 से 8 दिन में आपकी तैयारी का जो लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मोस्टली इस टाइम पर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये भी समझ नहीं आता है कि हम अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पहले वही टॉपिक पढ़ने होंगे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं। पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, उसके बाद में जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं आप उन टॉपिक्स की हमारे चैनल से वीडियोस वॉच करें, और वॉच करने के बाद में इन शॉर्ट फिर उनके क्वेश्चंस की वीडियो वॉच करें, और आपकी जो तैयारी है, जो अभी तक आपको ये लग रही थी कि बिल्कुल नहीं हो पाई है, वो तैयारी आपकी केवल और केवल 7 से 8 दिन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी, और आपको अपने अंदर खुद ये फील आएगा कि हाँ अब आपकी तैयारी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। आप केवल कदम बढ़ाइए, बाकी सक्सेस हम आपको दिलाएंगे, क्योंकि किसी ने कहा है इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस देन वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड।